कल वाला ब्लॉग जो है वो मैंने बैबो के घर के बाद ही एंड कर दिया था, और पर मैं जिम गया था रात में, कल बहुत लेट हो गया था, कल मैं 9 बजे जिम गया था, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया था तो मैंने जिम में शूट करने का कुछ नहीं सोचा, और कल मैंने पुश ट्रेन किया था, और कल मैं अकेले जिम गया था, कल कोई नहीं आया था, अरीन भी थक गया था तो वो घर चला गया था, और बाकी ऐसा मैंने सबको कॉल किया तो फिर वो लोग पता नहीं क्यों थक गए हैं ये है वो, सब लोग बहाना मार रहे थे, पर मुझे तो जाना ही था। अभी सीन ये है कि कल लेट होने की वजह से कल मैं अपना लैपटॉप सही करवाने नहीं जा पाया, तो अभी हम चल रहे हैं अपना लैपटॉप सही करवाने सबसे पहले, क्योंकि जो लास्ट वाला ब्लॉग है वो भी एडिट नहीं हुआ है, और जो ये वाला ब्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये भी एडिट नहीं कर पाऊँगा अगर मेरा लैपटॉप आज सही नहीं हुआ तो, और अगर लैपटॉप मुझे छोड़ना पड़ा तो वो भी देखना पड़ेगा। तो अभी मुझे नहीं पता है कि लैपटॉप की जो शॉप है वो कहाँ पर है, और जो आसूस का सर्विस सेंटर है वो कहाँ पर है, तो अभी मैं अरीन के पास जाने वाला हूँ, तो अरीन मुझे लेके चलेगा सिल्वर मॉल, तो अभी चलते हैं अरीन के पास, उसके बाद फिर देखते हैं कि लैपटॉप का क्या करना है, या फिर आज सही होता है या नहीं, अगर आज सही होता है तो मैं वहाँ रुकूँगा, तो फिर चलते हैं अभी अरीन के पास। अरे यहाँ तो क्या, अरे भाई इधर आ, कहाँ जा रहा है, कहाँ चलना है हमें, गुड सिल्वर मॉल, हाथ तो मिला ले, सिल्वर मॉल कितनी दूर है, तो अभी हम आ गए हैं सिल्वर मॉल, और यहाँ सारी लैपटॉप की एसेसरीज और जितने भी हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वर्क होते हैं ना, गेम्स वगैरह जो भी, वो सब यहाँ मिलते हैं, और ये जो ये वो आसूस का सर्विस सेंटर है, पर अभी 11 बज रहे हैं पर बंद है, तो शायद मैं अभी अंदर किसी शॉप पर जाके दिखाऊँगा, क्योंकि मेरी जो लैपटॉप की वारंटी है वो मैंने एक्सटेंड नहीं करवाई थी और वो वारंटी ख़त्म हो गई है, हार्ड लक पर ठीक है अभी दिखवाना तो है ही, तो चल के दिखवाते हैं सबसे पहले लैपटॉप, आसूस का लैपटॉप है, हाँ, क्या अभी ऑन किया था, इसमें ना हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है और ये ऑटो शट डाउन हो जाता है जब भी कोई भी ग्राफिक्स का वर्क करते हैं हम या एडिटिंग वगैरह करते हैं, फिर ऑटो शट डाउन हो जाता है, और ये बिना चार्जर के स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा था कि लैपटॉप मेरा तुरंत सही हो जाएगा, मैं एक दो घंटे रुक लूँगा तो सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, तो अभी मैंने लैपटॉप अपना छोड़ दिया है रिपेयरिंग के लिए, ये पीछे जो भी शॉप है उसमें मैंने छोड़ दिया है, और सर्विस सेंटर पे जाने का कोई मतलब नहीं था, वो 5-6 दिन के लिए अपने पास छोड़ने के लिए बोलते लैपटॉप, और उतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो अभी मैं अरीन के पास जाने वाला हूँ, उसके बाद हम तनिष्क के पास जाएंगे, पता नहीं क्यों तनिष ने हमें बुलाया है, तो अभी हम लोग उसके पास जाने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अरीन के पास, वो घर गया था वापस, उसको कोई काम वगैरह था तो मैं उसके घर जाऊंगा, और उसके बाद हम चलेंगे तनिष के पास, क्योंकि मुझे तनिष का घर नहीं पता है, तो फिर चलते हैं, और शाम 2 घंटे बाद ये भैया मुझे कॉल करने वाले हैं कि लैपटॉप में क्या दिक्कत है चेक करने के बाद, और शाम तक हो सकता है हमारा लैपटॉप सही हो जाएगा, तो तब तक हमें रुकना पड़ेगा, तो फिर अभी चलते हैं अरीन के घर। तो अभी हम अरीन के पास आ गए हैं, इसका घर मुझे नहीं पता था, इसने लोकेशन शेयर की तब ये आया, और कहाँ से आना है, थर्ड फ्लोर, आज सैटरडे है तो मैं बताऊंगा कि मेरा जो कॉलेज है वो सैटरडे और संडे दोनों दिन ऑफ रहता है, तो ये 2 दिन हमारे होते हैं और इन 2 दिन में काफ़ी मस्ती करते हैं, 12th पास हुई उसके बाद कोई नहीं खेलने वाला, अच्छा यार कौन से ब्रांड का ये हेड बेस्ट ब्रांड है, अरे उसके वेट से ही लग रहा है, लाइट वेट है उसी से लग रहा है कि अच्छा है,
अभी हमें तनिष्क के पास जाना है, क्रश कॉफी। क्रश कॉफी तनिष्क के पास जाना है या फिर क्रश कॉफी जाना है? क्रश कॉफी पे मिल रहे हैं अपन। क्रश कॉफी कहाँ पे है? पिपलियाना। पिपलियाना पे क्रश कॉफी, चल ठीक है। हाँ सैटरडे क्रश कॉफी पियेंगे हम। अरे ये तो बता कितनी देर में चलना है? 10 मिनट से चल के निकल। ठीक है अभी बैठते हैं, चलते हैं। तो मुझे ये क्या है, लॉन टेनिस ना, तो मुझे लॉन टेनिस खेलना नहीं आता, तो अभी हरी मुझे सिखाने वाला है कैसे खेलते हैं। भाई को तो पता, मुझे क्या पता था कि इसको बस लेते हैं, सर्विस करते हैं, अपने अपना जो ग्राउंड होता है ना, जो भी अपना एरिया होता है उसमें एक बार टिप कराते हैं, उसके बाद सही जाता। अब तुम बता मेरे वाला क्या रहा है ना, देख सर्विस अंडर आर्म भी होती है और ओवर आर्म भी होती है। अपन ओवर आर्म करते हैं, अंडर आर्म बच्चे मतलब प्रैक्टिस में करते हैं। सर्विस में क्या होता है कि अपन बॉल लेते हैं, उछालते हैं, उसको हिट करते हैं। अब है ना कोर्ट में जैसे वो बॉक्स बने रहते हैं, तो सामने वाले कोर्ट में गिरना चाहिए, अपने कोर्ट में नहीं, वो भी क्रॉस में, तो उस बॉक्स में गिरना चाहिए। अपने को है ना एक फाउल मिलता, अगर ठीक से नहीं करी तो एक फाउल हुआ अपने को। यार बड़ा इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है। तो मेरे पास तो अभी लॉन टेनिस का ये जो रैकेट है, ये सच में यार बहुत प्यारा है। मैं उसको जब होल्ड कर रहा हूँ ना, तो मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है ना, ऐसी फीलिंग आ रही है। और क्रिकेट मैंने अराउंड 2 से 3 साल से नहीं खेला। अरे भाई आ जाना है, इधर तेरा ही चैनल है। तो क्रिकेट मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खेला, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जिम के साथ और कॉलेज के साथ कोई एक गेम हो, जो मतलब हो, जो मेरा जहाँ मेरा जो मेजोरिटी थोड़ा सा टाइम है 1-2 घंटे का, वहाँ जा रहा हो। तो अभी हम भी देखते हैं कि अभी लॉन टेनिस खेलना है या फिर क्रिकेट। वैसे तो मैं टीटी का सोच रहा था, क्योंकि ये वो स्पोर्ट है जिसमें ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक रूम में हो जाता है। अभी बारिश वगैरह भी होती है, सर्दी वगैरह भी होती है, तो वहाँ हम कर लेंगे। तो अभी देखते हैं, एक बार इसके साथ मैं लॉन टेनिस खेलने जरूर जाऊँगा। इंदौर में होगा ना कहीं कोर्ट? हाँ है ना इंदौर। तो अपन फिर कभी चलते हैं लॉन टेनिस खेलने। तो अभी अभी क्या, अब हम क्रश कॉफी के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी बहुत सारी बातें हो गई और थोड़ा टाइम पास भी हो गया, और लैपटॉप तो मैं छोड़ के आया हूँ, उसको मैं शाम को पिक करने के लिए जाऊंगा। अभी हम चलते हैं तनिष के पास क्रश कॉफी। क्रश कॉफी, क्रश कॉफी। जो लिफ्ट होती है ना, इनको देख के, ये जो चैनल वाली लिफ्ट होती है, इनको देख के मुझे बहुत डर लगता है। वो कुछ मूवीज देखी तूने, जन्नत से गिरती है नीचे लिफ्ट? मैं कभी कभी इमेजिन करता हूँ भाई, पता 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 चलता है लिफ्ट गिरी और नीचे धन्ने से गिरी जाके नीचे। नीचे ना बड़े बड़े स्विमिंग रहते हैं, बस तुमको पता चल गया कि ग्राउंड फ्लोर आने वाला है, उससे पहले जंप कर लो तो कुछ भी नहीं होगा। हे यू आर तनिष ना, यू आर तनिष ना, तनिष ज्वेलर तेरा ही है ना? ओके क्रश कॉफ़ी। और पहले ये जो क्रश कॉफ़ी है, ये जो इस ये वैन दिख रही है ना, ये वैन में होती थी, अभी ये पूरा आउटलेट हो गया है क्रश कॉफ़ी का। तो अभी हम अंदर चलते हैं। हो गया मेरा, तो हो गया।
अंदर बैठेगा तू? तनिष्क क्या ले रहा है? हेज़लनट कॉफी। तू क्या ले रहा है? एक ब्लैक करंट शेक। अभी हमारे अरीन ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। अरीन कहता है मैं अपना लैपटॉप तुझे चाह के भी नहीं दे सकता, तो मैंने इससे पूछा क्यों? कहता भाई वो हमेशा नशे में रहता है। ऐसा क्यों बोला भाई तूने? मेरे जैसा है। अरे क्या है उसमें, जैसे मैं पाइथन भी खोलता ना तो सॉफ्टवेयर खोलो कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो अभी हम तनिष्क के घर जाने वाले हैं अभी एडिट करने के लिए। भाई इसके आगे लिफ्ट भी खतरनाक है, ऐसा लगता है दिन आते लिफ्ट बंद हो गई। अरे ऐसा लगता है जन्नत से गिरेगी नीचे जाके। ये नहीं है लेकिन ये रिलायबल है। कौन सा वाला भाई तेरा? अभी मैं आ गया हूँ तनिष्क के घर और अभी मैं अपना वीडियो एडिट करूंगा जो मैंने लास्ट ब्लॉग शूट किया था वो अभी मैं इस पे, और एक डेढ़ घंटा मुझे लगेगा, उसके बाद मुझे घर जाना है और फिर हमें 4 बजे जिम भी जाना है। चल बाय रे। बाय। यार कभी कभी ना मेरे को लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या आप सभी को भी ऐसा लगता है? देखो बताता हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ। मैं वो क्रश कॉफ़ी के बाद तनिष्क के घर जाता हूँ, तो तनिष्क के लैपटॉप में मैं वो जो एडोब प्रीमियर प्रो है वो मैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा था तो वो चल नहीं रहा था। उसके बाद मैंने अपना, मेरा जो कज़िन है उसका नाम चिराग है, तो मैंने उसको कॉल किया, उसको बोला भाई इसका 21 वाला वर्ज़न मुझे सेंड कर, तो उसने वो भेजा। तो जब मैंने उसको डाउनलोडिंग पे लगाया तो वो इतना स्लो डाउनलोड हो रहा था उस साइट से, इतना ज़्यादा स्लो हो रहा था कि वो 1.5 घंटे शो कर रहा था, तो मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था, तो मैं वहाँ 15 मिनट रुका, 20 मिनट रुका और हमने थोड़ी सी बातें की और जो भी किया, तो गेम वेम वगैरह खेले, तो उसके बाद मैं वहाँ से निकला। उसके बाद क्या होता है, मैं तनिष्क के घर से निकलता हूँ तो मुझे अचानक से याद आता है कि वो मुझे 2 घंटे बाद फ़ोन तो करने वाला था पर मैं उसका नंबर, मैं अपना नंबर तो उसको दे के आया हूँ पर उसका नंबर मैं लेना भूल गया हूँ। और फिर जो मेरा दिमाग ख़राब होता है कि मैं उसको कॉल भी नहीं कर सकता, फिर मैं वापस सिल्वर मॉल जाता हूँ अरीन के साथ में, और वहाँ जाने के बाद फिर पता चलता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ सॉल्व नहीं होगी, मुझे दूसरी शॉप पे जाना पड़ेगा, कुछ चिपसेट में कोई प्रॉब्लम है या इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, तो मैं उनके पास जाता हूँ। उसके बाद उनको लैपटॉप दिखाया तो उन्होंने बोला 2 दिन लगेंगे। उसके बाद जिम की भी टाइमिंग हो रही थी, मुझे 4 बजे जिम जाना था, तो फिर घर से भी मैं 11 बजे का निकला हुआ था, तो उसके बाद फिर मैंने अरीन को ड्रॉप किया और मैं घर आया, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो अब अरीन आ रहा होगा घर पे, अभी वो आएगा, वो उसको भी जिम जाना है, तो और आज मील प्लानिंग का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो अभी ये मेरा प्री वर्कआउट मील होने वाला है, ये मैंने आज भिंडी ली है और 2 चपातियाँ ली हैं, तो सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे और अभी अरीन आ रहा है तो उसका वेट करेंगे और जिम जाएंगे। तो फिर शायद मैं ये ख़त्म करने के बाद 1 बनाना खाऊंगा और उसके बाद जिम चलेंगे, तो फिर चलते हैं इसको ख़त्म करते हैं। तो मैं अभी जस्ट जिम पहुंचा, अभी आप सभी को एक छोटी सी बच्ची से मिलवाता हूँ, ये मेरी भांजी है, हाय बोलो सबको। मैं बोल रहा हूँ ना आज मेरे साथ कुछ ना कुछ हैक्टिक हो रहा है और पूरा दिन ही हैक्टिक रहा है। अभी क्या हुआ, इस आज सैटरडे है और सैटरडे संडे इसका ऑफ रहता है डांस क्लास का, और मुझे पता नहीं था तो मैं इसको बस लेके आ गया, मैं सोच रहा था इसको छोड़ दूंगा उसके बाद मैं जिम चला जाऊंगा, और अभी क्या होता है उसकी छुट्टी है, मतलब आज जिम उसकी डांस की छुट्टी है, तो फिर मुझे इसको अपने साथ लेके आना पड़ा। आज मैंने वर्कआउट से पहले ज़्यादा उतना कुछ खाया नहीं है, मतलब मैं सिर्फ 2 चपाती खा गया हूँ और केले लेने का भी मुझे टाइम नहीं मिला। प्री वर्कआउट पीने वाला हूँ आज, और ये काफ़ी टेस्टी है, मतलब ये ऑरेंज फ्लेवर है, मुझे सच में काफ़ी टेस्टी लगता है।
हमारा वर्कआउट ख़त्म हुआ और आज का ये जो हैक्टिक दिन है ये भी यहाँ ख़त्म होता है। और आज का काफ़ी अच्छा लैग वर्कआउट था, आज अरीन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और अभी ये अरीन है, ये पता नहीं क्या फ़ोन में कर रहा है, आज इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की लिटरली, मतलब मैंने भी देखा इसने खुद को बहुत ज़्यादा पुश किया। और आज का जो ये ब्लॉग है और जो ये वीडियो है ये आज यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, और मेरे ब्लॉग्स अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।